एक्सरसाइज 6.5 हम कर रहे थे और इसके हमने 10 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कर लिए थे। अभी हम करने लगे हैं जी क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 8 क्लास का मैथ है, जनरल मैथ, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड डॉट। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है 6.5 एक्स माइनस 9/5 का होल स्क्वायर माइनस 36/25 वाई का स्क्वायर। अब पहली रकम तो पहले ही स्क्वायर बनी हुई है, 36 सिक्स का स्क्वायर होता है, 25 पाँच का स्क्वायर होता है और ये पहले स्क्वायर है। अब ये एक रकम है और ये सारी एक रकम है, दो रकम या माइनस भी है, बस स्क्वायर बनाने की जरूरत है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, पहली को वैसे लिख लिया, इसका भी स्केयर, इसका भी स्केयर और इसका भी, इकट्ठा तीनों का स्केयर हमने क्या किया ऐसे बाहर। ये जी तीन निशानियां होती हैं जो हम फार्मूला यहाँ पर लगा रहे हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, दोनों पे स्केयर हो माइनस हो रो दो ही रकमें हो। तो हम एक दफा प्लस में लिख देते हैं और एक दफा माइनस में। ठीक है, ये तीनों कंडीशंस पूरी हैं, ये सारी एक रकम है, ये दूसरी दो रकमें हैं, माइनस भी है और ऊपर स्केयर भी है। तो सिंपली पहली रकम जमा ये वाली दूसरी, इसी तरह पहली रकम ये वाली जो है एक्स माइनस 9/5 माइनस दूसरी रकम। ठीक है, पहली जमा फार्मूले का दूसरी, फिर ये पहली माइनस फार्मूले का ये दूसरी। ओके जी, ये था जी क्वेश्चन नंबर 11। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है 25 इंटू एक्स प्लस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 16 एक्स प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। तो सिंपल, पहले हमें स्केयर बनाने पड़ेंगे, 25 हमें पता है 5 का स्केयर होता है और ये पहले ही स्केयर है, इसको कुछ नहीं करेंगे। माइनस 16 होता है 4 का स्केयर, आगे आ जाएगा एक्स जमा 7/4 का होल स्केयर। अब स्केयर तो बन गए लेकिन दो स्केयर हैं, एक ये वाला और एक, तो दोनों का स्केयर हम क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं ऐसे, 5 बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं, एक्स प्लस 5/4, ये इसका भी और इसका भी स्केयर बाहर चला गया माइनस, इसी तरह इन दोनों का ये वाला स्केयर जो है बाहर ले जाते हैं, 4x+7/4 का होल ऐसे बाहर चला गया। ठीक है, अब ये दोनों स्केयर बन गए हैं, दरमियान में माइनस भी है, तो सिंपली एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस। तो पहली रकम ये सारी पहली है, जमा ये सारी दूसरी, तो पहली जमा दूसरी, इसी तरह पहली माइनस दूसरी, ये पहली है 5x+5/4 माइनस, तो पहली जमा दूसरी होगी, अब पहली माइनस दूसरी हो जाएगी, 4x+7/4। अब अगर हमने बुक वाला आंसर लाना है तो हमें थोड़ा सा इसको मजीद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 5x+5×5=25/4, यानी इस 5 को इसके साथ भी और इसके साथ भी, इसी तरह इस 4 को 4x और ये 4×7=28/4, इसी तरह यहाँ भी 5x+5×5=24 माइनस 4x, और अब माइनस है तो ये लामत चेंज होगी, 4×7=28/4। अब इसके आगे हमने क्या करना है, अब ये देखें ना,
ये भी एक्स वाली है, ये भी एक्स वाली है, तो ये 5x प्लस 4x क्या हो जाएगा, 9x। 5x प्लस 4x क्या हो गया, 9x। और जो दूसरा है वो है 25/4 प्लस 28/4, इसको हम रफ में हल कर लेते हैं। 25/4 ये अपने सवाल के साथ ही करना है, 28/4 नीचे सेम है, एक दफा लिखेंगे सेम एलसीएम, और ऊपर वाला इकट्ठा कर लेंगे, 25 जमा 28 रफ में जमा कर लेते हैं, 8 और 4 13, 8 और 5 13 होता है, 3 असल 1 2 2 4 और 1 5, तो ये आ जाएगा 53/4, ठीक है, 53/4। तो इस तरह ये हो गया हल। अब इसी तरह हम जो इसकी जो दूसरी है ना उसको भी क्या करेंगे, ये मैं उसके साथ लिख देता हूँ, वहाँ पर एक्स वाली जमा की तो 9x आया, तो ये कॉन्स्टेंट हल किए हैं तो 53/4 आ गया, ये ब्रैकेट में आ गया। जो दूसरा है उसमें 5x-4x है, तो 5x में से 4x माइनस करेंगे तो खाली x बचेगा, और इसका जो है 25/4 -24/8, इसको रफ में हल कर लेते हैं, 25/4 -28/4 नीचे सेम है ना, तो एक दफा लिखेंगे और ऊपर आ जाएगा 25 -28, तो ये -3 बचेगा ओवर 4, तो ये इसका साल लिख देंगे, ठीक है जी। तो पहले हमने क्या किया है, स्केयर बनाए इन दोनों के, फिर इनका स्केयर इकट्ठा किया, फिर एक दफा प्लस किया और एक दफा माइनस कर दिया, और फिर एक्स वाली जमा होगी, इनका एलसीएम कर लिया, यहाँ पर एक्स वाली माइनस होगी और इन दोनों का एलसीएम किया, और ये हमारा आंसर आ गया। ये था जी क्वेश्चन नंबर 12। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 वो क्या है, 16 ए प्लस बी का स्केयर -49 ए माइनस बी का होल स्केयर। तो अगर हम गौर करें तो जो 16 है ना ये 4 का स्केयर है, और ये तो पहले स्केयर बना हुआ है, 49 7 का स्केयर है, और ये पहले ही स्केयर बना हुआ है, दोनों का स्केयर हमने क्या किया, इकट्ठा कर लेते हैं, कैसे, बड़ी ब्रैकेट लगा के ऐसे, -7 और a माइनस बी का स्केयर भी हम क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। अब ये एक रकम है, ये